हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आईफोन में कैसे फ़ोटो को अपने हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका पर्सनल फ़ोटो है या किसी चीज़ का भी आप नहीं दिखाना चाहते हैं फ़ोटो गैलरी पर, जैसे कि फ़ोटो पर, जैसे कि इस तरह से है मेरे में, मान लीजिए मेरे को किसी को भी यहाँ से फ़ोटो कर लीजिएगा, तो फ़ोटो को निकाल के अपने को हाइड करना है, तो इसी टॉपिक पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक पहुँचते रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने को फ़ोटो पर चले जाना है। जाने के बाद इस तरह से मान लीजिए मेरे में फ़ोटो इस तरह से, इस फ़ोटो को अपने को हाइड करना है, ठीक है। तो हाइड करने के लिए अपने को सबसे पहले तो यहाँ ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ जाना होगा। यहाँ से करने के बाद यहाँ से हाइट का ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं हाइट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हाइट कर लीजिएगा। यहाँ से हाइट फ़ोटो है, वहाँ क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह से ये हाइड हो चुका है उस फ़ोटो, ठीक है। तो उस हाइट फ़ोटो को कहाँ से लाएंगे और कहाँ से फिर आपको दिखेगा, इसको भी आपको जानना है। जैसे कि हाइट को फिर अपने फ़ोटोज़ पर लाना है और मान लीजिए तो, और देखना भी होगा जैसे कहाँ पर है, तो अपने को फिर फ़ोटोज़ पर चले जाना है। फ़ोटो पर जाने के बाद अपने को यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, करने के बाद यहाँ से हाइट का ऑप्शन है रिसाइकल बिन के ऊपर, सेकंड वाले नीचे से सेकंड वाले ऊपर में, तो यहाँ क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका फेस मांगेगा, फेस पासवर्ड, तो यहाँ से अपना फेस पासवर्ड कर लेना है। इस तरह से खुल जाएगा इस तरह से अपना, ठीक है। मैं इसी किया था अपने फ़ोटो को हाइड, और इसको जैसे बाहर निकालना है तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से, और यहाँ से फिर सेम वैसी रहेगा, यहाँ से 3 डॉट का ऑप्शन है एडिट के बगल ऊपर में, यहाँ से और अनहाइड यहाँ पर ऑप्शन दिखा है, तो वहाँ से अनहाइड कर लीजिएगा, तो इस तरह से हट जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं अपने फ़ोटो को हाइड करना। तो देखा दोस्तों कितना आसान था आईफोन में फ़ोटो को हाइड करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।